अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदरुस्ती दे, अल्लाह पाक बीमारों को शफा दे, बे औलादों को औलाद दे अल्लाह पाक, और बेटियों के नसीब अच्छे से अच्छे करे। जिनके रिश्ते होने हैं अल्लाह पाक उनका अच्छे से अच्छा सवाब लगाए, जिनके हुए हैं अल्लाह पाक उनको भी अपने घरों में खुशबाद रखे अल्लाह पाक, और बेटों के भी नसीब अच्छे से अच्छे करे, और जिनके पास कारोबार है उनमें बरकत डाले, और जिनके पास नहीं है अल्लाह पाक उनको अच्छा से अच्छा कारोबार दे, और वहों को भी अल्लाह पाक अपने अपने घरों में खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी रेसिपी है, मैं बनाने लगी हूँ ब्लैक चने। इसमें प्याज है, लहसुन है, सब्ज़ मिर्च है और टमाटर है। ठीक है, ये मैं तैयारी कर ली है। ये मैंने ऊपर प्रेशर रख दिया हुआ है, और ये हल्दी और सुर्ख मिर्च, नमक और स्टिक है, ज़ीरा है, काली मिर्च है, और ये धनिया पाउडर है। ये मैं डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें जाएंगी, मिर्च, और अब मैं ये चने डाल दूँगी। चने बेटी ने चेक करके भिगोए हुए थे, फिर भी मैं एक नज़र फिर मैंने मार लिए, कोई चीज़ ना हो गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे चने चले गए बीच, और फिर मैं डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक, और ये दो चीज़ें मैं बाद में डालूंगी जब बनाई करूंगी। अब मैं इसको पूरे एक घंटे के लिए मैंने पकाना है, फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी, फिर खुशक थोड़े से चने निकाल लूँगी, बाकी मैं शोरबा कर लूँगी। दोपहर को हम फुलके खाएंगे, शाम को हम चावल खाएंगे। अब मैं इसको इसका ढक्कन बंद करके इसको टाइम लगा लेती हूँ। किचन की मैंने सारी साफ़ सफाई कर ली है। आज मैंने बर्तन धोने पड़े थे, क्योंकि मेरी बहू गई है, मेके गई है, सिर्फ वो अपनी मामा के साथ कोई शॉपिंग करनी थी, उन्होंने उसकी फूफो का ख़त्म आ रहा था इसलिए वो गई है, कोई कपड़े वगैरह उन्होंने लेने थे तो वो गई है। मैंने दो में कपड़े पहले डाल के आई हूँ ऊपर, फिर मैंने नाश्ता किया है, फिर ये सारा मैंने बर्तन वगैरह धोए हैं इधर सूखने के लिए। ये किचन की लाइट जल्दी रहती है ना, वो गैस, तो इधर मैंने कपड़े थोड़े थोड़े डाल के बच्चों के वो सुखा रही हूँ साथ साथ, तो बाकी मैं सारे काम कर रहे हैं। बेटी उठी है, वो कहती है अब मुझे कल आलू मेथी बनाई थी, पराठा बना के दो। अब मैं उसके लिए पराठा बनाने लगी हूँ, तो काम वाली ने भी नहीं आ जाना, उसका भी पैगाम आ गया कि आज मैंने नहीं आना, तो बस इसी तरह ही फिर काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटी उठी है अभी, एक बेटी बड़ी बेटी घर चली गई है, छोटी बेटी इधर ही है। मैं देखो, हाँ जी हाँ जी, ये देखो मेरे शहजादे, वो ये शहजादी है, वो शहजादा है हमारा, हाँ जी, ये खेल रहे हैं। इसकी मामा गई ही हैं, उसको कोई पता नहीं है, वो अपनी, हाँ मैं कहीं चले जाऊँ तो मुझे बहुत याद करती है, मेरी दादू किधर गई, दादू किधर, मामा आ जाती है मेरी जान, वो देखो, हाँ 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 जी। तो ये देख, ये मेरा प्यारा सा नवासा है, ये प्यारी सी भी है और बड़ी नवासी प्यारी सी चली गई है। वो नाराज़ ही बहुत ज़्यादा होती है, वो जब छोटों से प्यार करते हैं तो वो कहती है मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो चलो अब मैं साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, पराठा बना लिया, अब मैं इसकी ऑयल लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा बन गया, मैंने कभी नहीं बनाया, शादी के बाद सारे काम किए हैं लेकिन पराठा नहीं मैंने बना पी रही। यहाँ लगने की करे मेरी सास का बहुत अच्छा पराठा होता रहा है, मेरी बाजी बहुत अच्छा पराठा बना पी रही है, तो मेरी भाभी ने एक वो भी बहुत अच्छा पराठा बनाती है, तो मैंने ट्राई की है, तो माशाल्लाह मैंने बना लेती हूँ।
पहले मूली वाले बनाए थे, मूली वाला भी बना लिया था, आज मेथी वाला बना लिया। अब जो काम बंदा स्टार्ट कर ले हो जाता है, तो ना करो तो ना भी मेरा चलता था। हाँ जी, एक मेरी बहन भी इधर नीला का नाम है, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा उसने भी हमें पराठे खिलाए हैं, मेथी वाला भी, आलू वाला भी, मूली वाला भी, गोभी वाला भी, हर चीज़ का जो पराठा वो भी हमें बना के देती रही। माशाल्लाह पानी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम धनिया पाउडर डालूंगी, काली मिर्च और छोटी इलायची और ज़ीरा। अब मैं ना इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। ये हम ना बेटा आटा निकाल के रखो, आपके पापा को खाना देना है, जल्दी करो। मैं उसको एक फुल्का बना दूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब मैंने इसमें साथ ही घी डाल दिया है, जल्दी है कहीं काम जाना है, मियाँ साहब ने भी और बेटे ने भी साथ, तो इसलिए अब मैं जल्दी जल्दी करने लगी। साथ में फुल्का बना लूँ इधर ही मैं। माशाल्लाह पानी डाल लिया है, खुशक चने निकालने थे वो याद ही नहीं रहा। चलो अब शोरबा ही खा लेंगे। तो अब मैं गर्म मसाला डालती हूँ उसमें, धनिया डालती हूँ। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा मेरे खाने कैसे लगते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा और फैमिली मेम्बर के साथ भी। ये देखो माशाल्लाह शोरबा मेरा तैयार हो गया। तो इसमें मैंने गर्म मसाला डाला है, धनिया डाला है, नमक डाला है, तो सारी चीज़ें मैंने पूरी कर दी हैं। अब मैं चावल उबले बनाऊंगी, तो रोटी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, अब मैं चावल बनाती हूँ साथ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे खाने कैसे लगते हैं आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कीजिएगा। सॉरी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, बीमारों को शिफा दे, बेटियों के नसीब अच्छे से अच्छे करे, और बेटों के भी और बहुओं के भी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। एक नई वीडियो के साथ फिर कल मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।